वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लगातार बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट के 24, 25 और 26 तीन लास्ट जो आपके वीडियो मैंने सेंड किए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर थे, जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरी इफेक्ट, हाइपोकंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आज जो ये आपके इफेक्ट है, यानी कि जो ये ग्रुप किसी कंपाउंड में जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट द्वारा पोलरिटी उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चों, एक चीज़ है कि आपको यहाँ तक पढ़ते हुए अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती था, प्रीवियस जो आपका GOC फर्स्ट से लेकर 26 वहाँ पर सारी ही चीज़ें जो भी आपको जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आप अगर बिफोर वाले लेक्चर वहाँ चले जाएँ और उनको देखें, तो आपको कहीं कोई, क्योंकि सारी चीज़ें सिक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आपको कोई आप बीच में से देखते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उसको स्टार्टिंग जो GOC है वहीं से आप स्टार्ट करें उनको, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बच्चों, आज का जो 27 लेक्चर है ये है आपका किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बाय सब्स्टिट्यूट। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं, कि आप एक बार उनको समराइज कर लें कि वहाँ पर हमने जो इफेक्ट पढ़े थे उसमें था इंडक्टिव इफेक्ट, जो दो कैटेगरी में था, प्लस आई और माइनस आई के रूप में। फिर पढ़ा था हमने एम या रेजोनेंस, मेजोमेरी या रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी दो कैटेगरी में था, प्लस एम और माइनस एम। फिर पढ़ा था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सदैव ही पॉजिटिव ही होता है, तो एच इफेक्ट। और फिर पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये इफेक्ट जो है ये क्या है, अनस्टेबल होता है, ये भी प्लस और माइनस में होता है लेकिन अनस्टेबल होता है, ये रिएक्शन के बीच में जब कोई आक्रमणकारी या रिएजेंट आता है तब उत्पन्न होता है। तो मेजर रूप से हम तीन इफेक्ट को अगर ध्यान रखें तो इनके द्वारा कंपाउंड की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आने वाला है उसको अगर समझें, तो पहली चीज़ है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक परमानेंटली क्या करता है, पोलरिटी उत्पन्न करता है किसी ग्रुप के जुड़े होने पर। और आपने डिटेल, मैंने कहा ना 24 एपिसोड जरूर देख लें, तो वहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। प्लस आई इफेक्ट में हम जनरली किसको मानते हैं, कि जब आर ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप जब जुड़ा होता है तो इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इसमें जो आपको क्रम बताया था कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप भी अगर आपका टर्सरी प्रकार का है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। माइनस आई के रूप में हमने सबसे ज़्यादा देखा था NO2 को, NO2 के बाद आपका आया था हेलोजन के साथ है CHO ग्रुप है, CO ग्रुप है, CN ग्रुप है। ये सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट या ग्रुप हैं तो वहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट मिलेगा। ओवरऑल प्लस आई का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ेगी, यानी कि उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और घटना कई सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में भी पहचानते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में पहचाना जाता है। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक डोनेट करने वाले होते हैं जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा देते हैं वो, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप होते हैं जो कि खींचते हैं अपनी ओर और इलेक्ट्रॉनों को कम कर देते हैं, डेंसिटी को कम कर देते हैं। एम इफेक्ट और आर इफेक्ट के बारे में पहली चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, कॉन्जुगेशन होगा तो ये इफेक्ट उत्पन्न होगा, कॉन्जुगेशन के साथ ही ये इफेक्ट आता है। अब कॉन्जुगेशन कितने प्रकार के हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें वापस। कॉन्जुगेशन होता है अगर आपका इस तरह से अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड आ जाते हैं, ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, अल्टरनेटिव आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। सेकंड कॉन्जुगेशन हो जाता है आपका अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड हो किंतु यहाँ पर क्या होगा, पोलर पहले से ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है। तीसरी चीज है कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के अलावा प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन हो,
तो भी कॉन्जुगेशन होगा, पाई सिग्मा और फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके अलावा आपका लोन पेयर आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और फिर आपका हो सकता है ये वाला, तो कॉन्जुगेशन कौन से होते हैं, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, वापस पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, पर इसमें भी दो कैटेगरी है, पाई सिग्मा पाई नॉन पोलर, पाई सिग्मा पाई पोलर। फिर आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव आयन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है ये समझने वाली चीज़ है, जो मैंने आपको एपिसोड 5 में समझा रखा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे की ओर रन करेंगे, ठीक है ना। इसको कंप्लीटली सीखना है तो मैंने कहा ना एपिसोड 25 देखें। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दोनों की तरफ यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों तरफ होगा। यहाँ पर चूंकि ये पोलर है पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अतः यहाँ पर आपका जो बॉन्डिंग आने वाली है वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव करेगा, और किधर जाएगा वो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर, ये मूवमेंट होगा। प्लस चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन भी किधर मूव करते हैं, प्लस की ओर मूव करेंगे, है ना। मूवमेंट को ध्यान रखें आप, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, सारी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का मूव देखना पड़ेगा। यहाँ पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन पाई की ओर रन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो लोन पेयर के पास भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन किधर रन करेंगे, इधर रन करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, है ना। एक बार ब्रीफली इसको ध्यान से देखें, जब पाई है तो वह दोनों तरफ रन करेगा, दोनों पाई बॉन्ड अनसैचुरेटेड होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब आपका पोलर बॉन्ड हो जाता है, सी ओ है, सी एन है, सी एस है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर रनिंग इधर होगी, इधर आपका माइनस पोल आएगा, पोलरिटी बन जाएगी, ओके। यहाँ पर आपका प्लस माइनस दोनों तरफ होगा, यहाँ पर आपका ये आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इधर प्लस चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन पाई किधर मूव करेंगे, प्लस, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है उसकी तरफ। यहाँ पर पाई पेयर अगर प्रेजेंट्स है कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर पेयर के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कंपाउंड की सीरीज की चेन की ओर जाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो भी आपका यहाँ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इस जगह पर, इस जगह पर, वो आपका ग्रुप की तरफ है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये कौन से है, दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये कहलाएगा आपका दोनों जगह पर माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और यहाँ पर इन ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में ये इफेक्ट क्या कहलाएगा आपका, प्लस एम इफेक्ट। माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। आप केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ध्यान रखें, कम या ज़्यादा होती है तो, ओके। तो ये आपका एम इफेक्ट होगा। तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो जिनके पास लोन पेयर है वो सारे ग्रुप, जैसे कि OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, एमिन ग्रुप, एक्स ग्रुप, ईथर ग्रुप, ओके। और माइनस में आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो सकता है, LDH ग्रुप हो सकता है, सी ओ ग्रुप हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, एसिल हैलाइड, अमाइड, ठीक है, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सारे ही कौन से होते हैं, माइनस एम इफेक्ट डालते हैं। बस आप इन चीज़ों को ध्यान रख लें, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन न्यून के साथ अटैच कार्बन अल्फा होता है, और अल्फा के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अल्फा हाइड्रोजन का नो बॉन्ड रेजोनेंस में होना, इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस में हो जाना, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, फिर आपको पता है ये हो जाता है। इसके लिए एपिसोड आप 25 देखें, हाइपरकॉन्जुगेशन मैंने डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो ओवरऑल आप इन चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। काफ़ी काम की चीज़ें इसमें मत बता दिए मैंने आपको। अब कुछ ग्रुप और ध्यान रखें, जो कि आप दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे ये आपका माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, CHO डाल रहा है, सी ओ माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, एक्स माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, NO2 माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, किंतु यहाँ पर देखें तो ये कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, पेयर वाले जितने भी हैं, ये माइनस आई के साथ कौन सा डाल रहा है, प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है, ये माइनस आई के साथ कौन सा डाल रहा है, माइनस एम इफेक्ट डाल रहा है। अगर कॉन्जुगेशन में आता है, ये माइनस आई के साथ माइनस एम इफेक्ट डालता है, ये भी माइनस एम इफेक्ट डालता है, ये भी माइनस एम इफेक्ट डालता है, ओके। जैसे आपका OH है, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डालता है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस होगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर होने के कारण ये प्लस एम इफेक्ट डालता है। तो एक ग्रुप जब विदाउट कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, लेकिन जब वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन जो आपका विड्रॉइंग होता है वो डोनेटिंग हो जाता है।
ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो मेन चीज बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनिक में आपको कंपाउंड का एनालिसिस करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉन्जुगेशन को। और कॉन्जुगेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो कॉन्जुगेशन मैंने बताया पाई के साथ सिग्मा पाई एक साथ आ जाता है तो ये कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह से आ जाता है पाई सिग्मा सिग्मा और फिर वापस पाई, तो ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है। तो आप कॉन्जुगेशन में ध्यान रखिए, कॉन्जुगेशन आपको चार तरीके के मिलेंगे। पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव का, पाई सिग्मा पॉजिटिव का और पाई सिग्मा लॉन पेयर का। तो चार तरह के अगर आपके एक साथ अल्टरनेटिव आते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड यूनिट होगी। और कॉन्जुगेशन में ग्रुप का इफेक्ट चेंज हो जाता है, अगर कोई माइनस आई डाल रहा है और लॉन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट डालेगा, ओके। और इनका जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखें कि इनका इफेक्ट जो होता है, अगर दो ग्रुप एक ग्रुप दो इफेक्ट डाल रहा है तो सबसे पावरफुल क्या माना जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिसको आप बिल्कुल नोट करें, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो एम या आर इफेक्ट होता है, ठीक है। उससे कम जो है आपका वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और फिर लास्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये सबसे लेस होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, अगर ग्रुप एम इफेक्ट डाल रहा है और आई इफेक्ट माइनस डाल रहा है तो ओवरऑल प्लस एम इफेक्ट वह डाल रहा है और आपका दूसरा इफेक्ट क्या है माइनस आई, जैसे कि OH ग्रुप है, ये ग्रुप जुड़ा है तो ये माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, प्लस एम भी डाल रहा है, अगर कॉन्जुगेशन में आ गया तो वहाँ पर माइनस आई इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा, ये बढ़ाएगा, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ेगा। और यदि प्लस एम और प्लस आई साथ है ऐसा है तो वह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ाएगा, तो आप कंपेयर कर लें उनमें से, ओके बेटा दो इसको। चलो अब इसको मैं समराइज कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन लेने वाले हैं। अब आपके पास जो इफेक्ट थे उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले यानी कि बढ़ाने वाले, पर एक ग्रुप वो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। बढ़ाने वाले को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे और घटाने वाले को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाएगा। अब कौन कौन से होंगे, तो जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, जो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट डालते हैं कॉन्जुगेशन के साथ, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं, ये सभी आपके क्या होंगे, डेंसिटी को बढ़ाएंगे। इसके अपोजिट माइनस आई इफेक्ट डालने वाले, माइनस एम इफेक्ट डालने वाले, एच जो कि माइनस होता नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कम करने वाले होते हैं। आई में आप केवल ध्यान रखें आर को, और इसमें ध्यान रखें टर्सरी अगर प्रकार है, जैसे बताया मैंने वहाँ पर कि कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, पोजीशन चेंज होने के साथ साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, ओके। एम इफेक्ट कौन डालने वाले हैं, तो जब कॉन्जुगेशन में आपका लोन पेयर आ जाता है या माइनस चार्ज वाले ग्रुप आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये प्लस एम इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि OH ग्रुप, ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर है, NH2 ग्रुप, ओके, इसके अलावा X ग्रुप, इनके पास लोन पेयर है, ठीक है, OR ग्रुप लोन पेयर है, अगर C माइनस है तो ये भी आपका डालेगा ग्रुप प्लस M इफेक्ट। यहाँ पर माइनस में आपको पता है सारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यूनिट, NO2 हो गया, OH हो गया, X हो गया, ये सब माइनस आई इफेक्ट भी डालेंगे, है ना। उधर आपके कॉन्जुगेशन में तो प्लस एम डाल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या डाल रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इसके अलावा CHO हो गया, CO हो गया, ठीक है ना, ये सारे ही माइनस आई इफेक्ट डालेंगे। और माइनस एम की बात करें, माइनस एम के लिए बात करें, तो सारे ही पाई बॉन्डेड जितने भी हैं, और इसके साथ कौन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाले अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर माइनस एम इफेक्ट होगा, जैसे कि आपका CHO ग्रुप है, CO ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, एसिड के सारे ही डेरिवेटिव, जेड की जगह हम रख सकते हैं X, एसिलेलाइड, NH2, एमाइड, ठीक है ना, OR, एस्टर हो जाएगा, तो ये सारे ग्रुप आपके क्या करते हैं। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, जिनमें भी पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो, C+ अगर है, तो ये सभी ग्रुप क्या करते हैं, माइनस एम इफेक्ट डालते हैं। अब होता क्या है बच्चों, और H जो है आपका हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा देता है, ये तब जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बस ये चीज ध्यान रख ले आप शॉर्ट में। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पर क्या होता है, पहली चीज
डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो बेसिक नेचर बढ़ेगी, ये प्लस होगी, और एसिडिक नेचर क्या हो जाती है उसकी, लो हो जाती है, ये इसको इफेक्ट डालेगा। ओके, और इस इधर उल्टा हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करते हैं, कम करने पर एसिडिक नेचर तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम होगी। इनको ध्यान रखें आप, माइनस वाली जो है आपकी नेचर, यानी कि बेसिक नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्षारकता कम होती जाती है। सेकंड चीज़ की बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ अगर आप देखें तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और फ्री रेडिकल जो है उसकी भी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। हम इसको पढ़ने वाले हैं अभी, और यहाँ पर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। फर्दर डिस्कस करने वाले हैं हम, क्यों, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके पास ज़्यादा है और उसके इलेक्ट्रॉनों को और कम कर दो, माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम डाल दो, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वहाँ पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पुअर हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में बनेगा उतना ही मजबूत होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो। ओके, ये मेजर मेजर इफेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, जैसे एसिडिक बेसिक नेचर अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखें तो वहाँ पर अल्कोहल, एमीन और एसिड, इन तीन जगह पर आपको एसिडिक और बेसिक कंपेरिजन मिलेगा, जिसको हम सोल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, ये मैकेनिज्म पर जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो यही होगा कि SN1 SN2 की क्रियाशीलता किस तरह से बढ़ेगी, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है आपके, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो तो उसका होना, उसका पाथ क्या होगा, तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट्स पर, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज है उनके अंदर प्लस इफेक्ट डालने पर बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा आपकी नेचर क्या बदलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ और घटने के साथ साथ आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि किसी की भी रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम, तो रिएक्टिविटी का प्लस होना और माइनस होना ये इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, वो उसकी डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस प्रकार की है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, घटने के साथ साथ क्या होगा, एडिशनल रिएक्शन है तो वहाँ पर क्या परफेक्ट होगा, तो जितनी भी प्रकार की रिएक्शन होती है वहाँ पर जुड़ने वाला ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, प्लस और माइनस करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एम्पेट के द्वारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कि रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, कैसे बनेगी और स्टेबल कितनी होगी, तो वो सारी ही चीज़ें क्या होती है, इन पर डिपेंड करने वाली होती है। तो मेजर जो आपके क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, 12th बोर्ड के क्वेश्चन, वहाँ पर आपको बेसिक और एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन मिलने वाला है, रेजोनेंस पर क्वेश्चन मिलने वाला है, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म पर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इन क्वेश्चन जो भी आपके हैं कोर्स में जो दे रखे बुक के अंदर, वो सारे ही क्वेश्चन मैं फर्स्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के आपके जो रीजनिंग होती है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशंस के बारे में, इन इफेक्ट का एप्लीकेशन एक एक के ऊपर क्या क्या होता है। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन ले रहा हूँ मैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जनरली ये इंटरमीडिएट आपका कई सारी अभिक्रियाओं के अंतर्गत बनता है, जब कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा होता है और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जब होता है तो आपका कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन के बारे में अगर आपको पहले से ही है ना कम्प्लीटली जानना है तो आप इसके प्रीवियस जो आपका GOC में कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का जो लेक्चर है उसको एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ पर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जनरली RX अभिक्रिया जो होती है उसका इंटरमीडिएट जो है आपके RX एल्किल हैलाइड में कार्बोनियम आयन होता है SN1 अभिक्रियाओं में, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं अभी बोर्ड की क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं। तो जनरली कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करें तो यहाँ पर यह है कि जैसे आपका ये कार्बोनियम आयन है CH3+,
ठीक है ना। सेकंड कार्बोनियम आयन मैंने लिया CH3CH2 प्लस एथिल कार्बोनियम आयन। फिर आप लेते हैं आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन और एक और ले रहा हूं मैं टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है तो पहली चीज़ तो देखें ये अनस्टेबल क्यों है। तो इसकी अनस्टेबल के पीछे जो कारण है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है केवल इसका आउटर सेल में कार्बोनियम आयन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है, और कम है इसीलिए क्या है ये कमी के कारण अनस्टेबल है। बड़ा ध्यान से समझे, बड़े आसान सी चीज़ें होती है हर चीज़ की। जो आपकी स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो स्टेबिलिटी के सबसे पहले आप उसको देख लें कि अनस्टेबल क्यों है। तो अनस्टेबल है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास है C प्लस के पास, इसीलिए ये क्या है अनस्टेबल है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाए, तो इसकी जो अनस्टेबिलिटी का कारण है वो थोड़ा दूर होगा, और दूर होगा तो इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यून है, डिफिशियंस है, इन प्रजाति में यदि इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ा दिया जाए, घनत्व प्लस कर दिया जाए, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा बच्चों? अब स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, तो इनसे जुड़ने वाले समूह यानी कि सब्स्टिट्यूट का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा जाएगा। तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले ग्रुप कौन से हैं, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एम इफेक्ट। और बच्चों मैंने इसका ऑर्डर बता रखा है स्टेबिलिटी को चेक करना है। सबसे पहले आपका एम इफेक्ट होता है, उससे कम जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और सबसे लास्ट में आपका आई इफेक्ट होता है। ये क्रम ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर आप देखें तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब एम इफेक्ट से इसका आंसर नहीं आने वाला है। अब बचा कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर है, है ना, आप प्रीवियस एपिसोड देख लें। ये इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन का, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगातार आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। समझ में आ रहा ना? अब क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस में होता है, जिसके कारण कि इसका प्लस चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज हो सकता है, और ऐसी स्थिति में इसके इलेक्ट्रॉन की जो होती है डेंसिटी बढ़ जाती है। सेकंड चीज इंडक्टिव की बात करें, या इफेक्ट अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कोई भी आर समूह जुड़ा हुआ नहीं, केवल सी प्लस है। यहाँ पर एक CH3 समूह का प्लस आई इफेक्ट डाला जा रहा है, यहाँ पर आपके 2 मेथाइल समूह हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि आई इफेक्ट कितना है, डबल हो चुका है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर आपके 3 मेथाइल समूह हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 3 प्लस आई इफेक्ट है। अब आपको ओवरऑल क्या पता चला, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ रहा है, और आपका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होने के साथ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पर क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा स्टेबिल ये होगा, इससे ज़्यादा स्टेबिल ये होगा, और इससे ज़्यादा ये स्टेबिल होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों कि जिसके साथ ये बॉन्डेड था और टूट कर जो कार्बोनियम आयन बदला है, वह बंद उतना ही आसानी से टूट जाएगा यदि आपका कार्बोनियम आयन क्या हो, स्टेबिल हो, यानी कि इससे अटैच। जैसे कि आप बात करें CH3X कोई बॉन्ड है और CH3CH CH3X यह बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड के टूटने के बजाय ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसके टूटने के बाद बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबिल होगा। क्लियर है? यानी कि आप बॉन्ड को तोड़ते समय भी ध्यान रखें, जैसे आप इसी के एग्जांपल को आप अल्कोहल में लेते हैं कि CH3OH और CH3CH3OH, और अब आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा प्रबल क्षार है, बेस कौन है, तो जो OH पहले देगा, तो OH का निकलना कहाँ आसान है, यहाँ से अगर OH जाता है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनता है, और यहाँ से जाता है तो कौन सा बनता है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इसकी तुलना में ये ज़्यादा क्या है,
स्टेबल है, इसलिए इसका OH बड़ी आसानी से चला जाएगा उसके कंपेयर में। और हम कह सकते हैं कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो मेथिल अल्कोहल की तुलना में क्या है, ज़्यादा स्ट्रोंग बेस होगा। क्लियर है? तो कार्बोनियम आयन के स्टूडेंट्स आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया, यानी कि आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके बच्चों, चलो इसको नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ कार्बोनियम आयन आर के बजाय, जो आपको बताया है कि बेंजीलिक, एलिलिक है ना, एरिल, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। मिटा दूँ, अब मैं कुछ कार्बोनियम आयन ले रहा हूँ और इसकी स्टेबिलिटी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सारे कार्बोनियम आयन की हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, यहाँ पर आपके सारे इफेक्ट आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। ये आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये आपका टर्शरी कार्बोनियम आयन है 3 डिग्री, ठीक है ना। और एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, ये आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन है। ये आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये आपका टर्शरी कार्बोनियम आयन है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका यहाँ पर कार्बन सेट है, ये कार्बन सेट है, यानी कि ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। एक कार्बन एक सेट है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है ना। मेथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, और ये है आपका एलील ग्रुप है ना, जहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिड जो होता है उसके पास आपका पाई बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। और ये आपका बेंजीलिक है, ये आपका एरिल है, ये आपका बेंजीलिक है, और ये भी आपका बेंजीलिक है। तो 3 आपके बेंजीलिक हैं, मैंने 4 यहाँ पर एल्किल लिखे हैं, एक आपका एलिल है और एक आपका एरिल है। ओके, अब इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले आर जो ग्रुप के आपके जो हैं, ये 1, 2, 3, 4, इनकी स्टेबिलिटी जस्ट अभी प्रीवियस हमने चेक की थी। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री रहेगा। अब बात करते हैं आर प्लस की, कंपेयर करते हैं किससे, AR प्लस से, यानी कि आप इनसे कंपेयर करें इनकी। तो यहाँ पर आपका देखें, ठीक है ना, एक तो ये है, एक ग्रुप और आप ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये प्लस है, ये आपका वाइनिल ग्रुप है। अब इनको आप व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले यहां पर कौन सा इफेक्ट चल रहा था, हाइपर कॉन्जुकेशन और प्लस आई इफेक्ट था। ओके, अब आप देखें इसको, एलिल ग्रुप को, यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके कॉन्जुकेशन में कौन आ गया है, पाई बॉन्ड, यानी कि पाई सिग्मा प्लस। तो मैंने आपको कॉन्जुकेशन के लिए बताया था कि पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा प्लस हो, पाई सिग्मा माइनस हो, पाई सिग्मा लोन पेयर हो, तो ये कॉन्जुकेशन हो जाता है। और कॉन्जुकेशन होने के कारण ये पॉजिटिव है, तो यहां पर आपका कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, एम इफेक्ट या आर इफेक्ट आ जाएगा। और जब एम और आर इफेक्ट हो तो आपको पता है कि एम इफेक्ट से पावरफुल होता है किससे, हाइपर कॉन्जुकेशन से और आई से। इसका मतलब यहां पर जो इफेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट या पावरफुल इफेक्ट एम इफेक्ट है, जिसके कारण कि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसकी आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरीके से CH2 CH डबल बॉन्ड
CH2 और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। इसका मतलब इस पर जो प्लस था वो प्लस यहाँ से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, ओके। और ये आपकी स्ट्रक्चर जो आती है इसके कारण कि पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किन से, आर से। तो आर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया आपका, एलिल। अब एलिल के बाद बेंजिल की बात करें तो ये बेंजिल आपका देखें बेंजिलिक ग्रुप है, बेंजिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट करें कि CH2 C पर प्लस है और ये आपका कॉन्जुगेशन है, सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा फिर आपका ये पाई सिग्मा और प्लस। तो ये आपका कॉन्जुगेशन में, जिसके कारण कि इसकी अनुनादी संरचनाएँ आपको प्राप्त हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्लियर, इसकी ओर शिफ्ट हो गया, कहाँ से, ये आपका पाई बॉन्ड टूटकर। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर आपका प्लस रोटेट हो जाएगा, ओके, और ये आपकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आपकी वापस स्ट्रक्चर बनेगी, तो CH2 यहाँ पर अब आपका मुंह किधर करेगा, प्लस की ओर चलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, CH2 यहाँ पर प्लस है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा और यह इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से कितना रह गया, 1/4 रह गया, जो कंप्लीट प्लस था। तो बेंजिलिक जो है वो इन एलिलिक से भी ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब इनसे ज़्यादा कौन है, बेंजिलिक, मोर रेजोनेंस के कारण या मेजोमेरी इफेक्ट अधिक होने के कारण। अब यहाँ पर आपको कितनी अनुनादी संरचनाएं मिल रही, 1, 2, 3, यहाँ पर आपके दो फेलिल ग्रुप हैं, तो 3 बार रोटेशन इधर होगा प्लस का और 3 बार इस रिंग पर भी होगा, यानी कि यहाँ पर आपको कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी, 6। और ट्राइफेनिल में कितनी मिलने वाली है, 3, यहाँ पर प्लस रोटेट हो सकता है उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपका रोटेशन होगा इस तरीके से, तो इसकी 9 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी। जिस तरह से एक रिंग पर ये घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड मेजोमेरी इफेक्ट से द्वारा, यहाँ पर 2 रिंग पर घूमेगा और यहाँ पर कितना घूमेगा, 3 रिंग पर, तो आपकी ऑर्थो पोजीशन कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 पैरा पोजीशन, यानी कि 9 पोजीशन मिलेगी जहाँ पर कि प्लस चार्ज रोटेट करेगा। यहाँ पर 6 पोजीशन पर करेगा और यहाँ पर 3 पोजीशन पर करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेंजिलिक से जो आपका है उससे ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ट्राइफेनिल कार्बोनियम आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें से, ओके। और अब आपका लास्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, क्लियर है, उसी पर यदि प्लस है या जैसे यहाँ पर प्लस है और इसी पर है, तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होने वाला है और पहले से डिफिशियंस है और पाई बॉन्ड ने और क्या कर की, यहाँ पर डिफिशियंसी पैदा कर की। तो वाइनल ग्रुप जो है, वाइनल कार्बोनियम आयन जो है वो सबसे लेस स्टेबल होने वाला है, ओके। अब इनको मैं अगर ऑर्डर से जमा दूँ तो आप देख लें, इसको मिटा दूँ, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का टोटल ओवरऑल जो आपका कंसेप्ट रहेगा वो ये होगा, सबसे ज्यादा रहेगा ट्राइफेनिल कार्बोनियम आयन, प्लस एम इफेक्ट और 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 6 ऑर्थो और 3 पेरा, फिर आपका इससे लेस स्टेबल होगा बाईफेनिल कार्बोनियम आयन, प्लस एम इफेक्ट, 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद होगा बेंजिल कार्बोनियम आयन, प्लस एम इफेक्ट और यहां पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 2 ऑर्थो और 1 पेरा पर प्रोडक्शन करेगा जैसा मैंने आपको बताया, ओके। अब आपका इसके बाद कौन आता है, एलिल,
तो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस कार्बोनियम आयन, ये प्लस M इफेक्ट या R इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, टर्शरी कार्बोनियम आयन। ओके, इससे कम कौन होगा आपका, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और इससे कम कौन होगा आपका, एथिल कार्बोनियम आयन, और इससे कम कौन होने वाला है आपका, मेथिल कार्बोनियम आयन, फिर इससे कम कौन होगा आपका, वाइनिल कार्बोनियम आयन, और लास्ट कौन होगा आपका, एरिल कार्बोनियम आयन। ये स्टेबिलिटी का क्रम होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस एम इफेक्ट। ओके, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, किंतु यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है और इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, और यहाँ पर है आपका माइनस आई इफेक्ट। ओके, ये ऑर्डर रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक यहां पर चेंजेज है, ये जो आपका टर्शरी कार्बोनियम आयन है, ये आपका क्या होगा, स्टेबल हो जाता है बेंजिल कार्बोनियम आयन से भी। इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, टर्शरी कार्बोनियम आयन बेंजिल कार्बोनियम आयन से, यहां पर एम इफेक्ट है, यहां पर हाइपरकॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट है, किंतु इसका डबल इफेक्ट जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपरकॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो इतना पावरफुल होता है कि इसके एम इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपका ये यहां से क्रॉस होकर कहां आएगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन को हम इस जगह रखेंगे, ये आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें कार्बोनियम के स्टेबिलिटी में, कि टर्शरी के अंदर हाइपरकॉन्जुगेशन की नाइन स्ट्रक्चर जो होती है अल्फा हाइड्रोजन के कारण वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है मेजोमेर इफेक्ट के कारण, तो यहां पर आपका ये जो पार्ट है यहां से हटेगा। ओके, और अब ऑर्डर आपका रह जाएगा ये, समझ में आया, सबसे पहले मेजोमेर इफेक्ट, मेजोमेर इफेक्ट, यहां पर मेजोमेर इफेक्ट से हाइपरकॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टेड होने के कारण टर्शरी कार्बोनियम आयन क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बेंजील, फिर आपका एलिल कार्बोनियम आयन। ओके, क्लियर है, ये आपका ऑर्डर रहेगा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का। चलो उतार लो इसको, नोट कर लो, हो गया बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखें, मैं इसी के साथ फ्री रेडिकल को भी बता रहा हूं, अगर आपका कोई मुक्त मूलक है सी, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे इसका भी आप प्रीवियस जो मैंने इंटरमीडिएट बताया वहां देख लें इनको, इसी तरीके से वो भी आपके प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, एलिलिक होंगे, वाइनिलिक होंगे, सभी होंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है इसकी तुलना में ज्यादा, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, फ्री रेडिकल की तुलना में, फ्री रेडिकल की कंपेयर में ये ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में फ्री रेडिकल की बात करें तो इनकी भी स्ट्रक्चर वही रहने वाली है, सबसे ज्यादा फिर आपका ये फ्री रेडिकल, फिर आपका टर्शरी फ्री रेडिकल, ओके, फिर आपका बेंजिलिक, फिर आपका वाइनिलिक, फिर आपका सेकेंडरी, यानी कि कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सिमिलर होगी, ये आपका मेथिल, फिर आपका, और ये आपका कार्बोनियम। ओके, तो आप फ्री रेडिकल की और कार्बोनियम आयन की सिमिलर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बो एनायन के बारे में। तो बच्चों कार्बो एनायन की नेचर देखें आप, मिटा दो इनको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की स्थिति यह होती है जैसे आपका CH3- कार्बो एनायन है,
बच्चों इसके पास इसका ऑक्टेट है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है विथ माइनस चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से ही क्या है, ये अनस्टेबल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए अनस्टेबल है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर दो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपोजिट है कार्बोनियम आयन के, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। अब डेंसिटी को कौन कम करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट अगर है, माइनस एम इफेक्ट अगर है, तो ये क्या करने वाले हैं, तो माइनस आई और माइनस एम के साथ साथ सी माइनस की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और प्लस आई और प्लस एम के साथ इफेक्ट के साथ सी माइनस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बस ये ध्यान रखें, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, है ना, इसको उतार लो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आप कार्बोएनायन को देखें, सी एस थ्री माइनस का कंपेयर करते हैं हम, सी एस थ्री सी एस टू माइनस सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री माइनस विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपका वन डिग्री कार्बोएनायन है, ये आपका वन डिग्री कार्बोएनायन है, क्यू टू वन कार्बन से अटैच है, ये टू डिग्री और ये थ्री डिग्री है। अब बच्चों मैंने कहा ना, इसमें इनका जो इफेक्ट बढ़ रहा है वो कौन सा, और प्लस है इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, पहले से ज़्यादा है और डेंसिटी और बढ़ती जा रही है। हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, प्लस होता है खींचने वाला होता है, अल्फा हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस में आएगा, माइनस के साथ हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं आता है, तो हाइपर कंजुगेशन तो नहीं होगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर दो ग्रुप के द्वारा होगा, यहाँ पर तीन ग्रुप हैं आपके मेथाइल समूह जिनके द्वारा आई इफेक्ट डलेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, ये। ओके, सेकंड चीज, अगर आप बात करें सी एस टू इस कार्बोएनायन की, थोड़ा सा ध्यान से देखें, बेंजिल कार्बोएनायन है। अब बच्चों यहां क्या होगा, ये जो रिंग है यहां पर आपका लोन पेयर है, तो मेजोमेरी इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये आपका कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लॉन पेयर, और कॉन्जुगेशन में है तो मैंने बताया कि जब माइनस लॉन पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूव किधर होगा, पाई की ओर। अगर प्लस चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन का मूव किधर होता, पाई इलेक्ट्रॉनों का प्लस की ओर, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो मिलेगी वो इस तरह से होगी। ये आपका सी एस टू, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, इसी जगह पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, अब आपका मूव किधर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पाई की ओर, तो ये हो जाएगा आपका सी एस टू, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, और ये आपकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी सेकंड। अब वापस मूव कहाँ करेगा, आगे की ओर, तो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एस टू यहाँ माइनस। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी उसको इस रिंग ने क्या किया है, कम किया है। इसका मतलब ये आर जो माइनस हैं उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, बेंजिल कार्बोएनायन AR माइनस, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें रिंग बढ़ेगी वैसे वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, तो इसमें भी आपका वही होगा, बेंजिल, फिर आपका बाइफेनिल, और फिर आपका ट्राइफेनिल।
तो ट्राइफेनिल कार्बो एन आयन हो चाहे कार्बोनियम आयन हो, दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होंगे सबसे ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर आप इस ऑर्डर को ध्यान रखें। ठीक, अब बात करते हैं वाइनिल की। तो वाइनिल कार्बो एन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर इस तरह से खींचेगा, तो वाइनिल की स्टेबिलिटी क्या होगी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और फिर आपकी एरिल की स्टेबिलिटी भी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी, क्यों। ओके, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, कार्बो एनायन का जो ऑर्डर है, पहला ऑर्डर मैंने ऊपर लिख दिया है, अब आप एक ऑर्डर और लिख लें जो मेन होते हैं आपकी रिएक्शन में प्राप्त होंगे, कि R- से ज़्यादा कौन होते हैं, बेंजिलिक। ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे भी। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। कंप्लीट, एलिल कार्बो एनायन भी ज़्यादा स्टेबल होंगे, एलिल के अंदर भी क्या होगा उसी तरीके से एलिल में भी क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर माइनस है तो ये रोज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या जाएगी, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, तो ये भी R से ज़्यादा क्या होंगे आपके, स्टेबल होंगे। ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन के बारे में। तो बच्चों क्लियर समझ में आ गया होगा, ये पहली एप्लीकेशन बताई मैंने। तो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जितने भी होते हैं उनसे कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो मैंने केवल आज आपको इस लेक्चर में एक एप्लीकेशन लिए कार्बोन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को समझाया है। अब नेक्स्ट एसिडिक बेसिक जो रीजनिंग होती है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, SN1 SN2 एडिशनल रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन की क्रियाशीलता पर, सब्स्टिट्यूशन का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो जहाँ से आपके मेजर जो क्वेश्चन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या असर होता है, वो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम क्या होते हैं नेक्स्ट जो आपका लेक्चर मैं दूंगा वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ये दो लेक्चर ऐसे होंगे जहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको जो समझाया इसको समझने का पूरा प्रयास करें और इनको वापस आप कॉपी में क्या करें, नोट कर लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसी में ही आपको क्या बताऊंगा मैं, बोर्ड के प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए वो और कंपटीशन एग्जाम में इनके क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।